खनियादाना पुलिस द्वारा थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक चोरी की बाइक को आरोपी सहित पकड़ा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महेश लोधी निवासी गुडा राजापुर से खरीदकर बेचने का काम करता हूं, साथ ही मोटरसाइकिलें मेरे पास रखी हुई हैं। पुलिस ने बताए हुए स्थान से अन्य मोटरसाइकिलें उठवाकर थाने में रखवा दी गई और टीम बनाकर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपी विक्रम सिंह परिहार पुत्र हरप्रसाद परिहार निवासी वार्ड क्रमांक 2 मस्जिद के सामने खनियादाना के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व नीलम सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 1 थाने के पीछे खनियादाना ने भी अपने पास चोरी की मोटरसाइकिल रखा होना बताया। उक्त सूचना पर से आरोपी नीलम परिहार के घर के बगल में बने बगीचे से 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। 5 मोटरसाइकिलों की कीमत 3 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के द्वारा उक्त मोटरसाइकिलें आरोपी महेश लोधी निवासी राजापुर गुडर से खरीदना बताया है। उक्त मोटरसाइकिलें अशोकनगर कोलारस इंदौर उत्तर प्रदेश से चोरी करना बताया। आरोपियों से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। आरोपी गणों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सर आज कुछ मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं, क्या मामला है? कल रात्रि को मुखौटा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नीलम सिंह परिहार और विक्रम सिंह परिहार अवैध रूप से चोरी की मोटरसाइकिल रखे हुए। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो नीलम सिंह परिहार के बाग से 5 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई हैं। उक्त मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि महेश लोधी निवासी कूड़र का चोरी करके लाया था तथा बिक्री करने के लिए हम लोग रखे हुए थे। उक्त मोटरसाइकिल को जब पता किया तो उक्त मोटरसाइकिल अशोकनगर कोलारस इंदौर और उत्तर प्रदेश से चोरी कर लाई गई है। विक्रम परिहार के कब्जे से कितनी मोटरसाइकिल? विक्रम परिहार के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 3 नीलम सिंह परिहार के कब्जे से बरामद हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 3 लाख का वस्तु का बरामद किया गया है।